लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोजा थॉट्स के अंदर, जहां बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन चार चीजों को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग वीडियो देखोगे आप लोग भी बोर हो जाओगे, इससे अच्छा एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को तीन चार चीजें जो चल रही है उन सभी चीजों के बारे में ठीक से बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग एक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो मूवी है धारा 370। अब धारा 370 के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। रिसेंटली हमारा जो सबसे वायरल वीडियो था वो था मोए मोए 370। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार अवश्य देख लीजिएगा। बीजेपी चाहे 200 साल तक इस देश के ऊपर राज कर ले, जब तक कांग्रेस है तब तक अनुच्छेद 370 को कोई हटा ही नहीं सकता। लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। उसके बाद आप लोगों से एक बात बतानी है, जब हम किसी के अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि किसी पॉलिटिशियन पार्टी के घर के मेंबर्स में से कोई लड़का 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने से, कैसे? रेंट से। अब वो रेंट कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे कमा रहा है, ये सारी चीजें जब हम लोग एक्सपोज करते हैं तो रातों रात हम लोग किडनैप कर लिया जाता है और पुलिस वाले सीधे हम लोग के ऊपर क्या डालते हैं, 295A। ये आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है और हमारे पत्रकारों को, हमारे यूट्यूबर को जेल में बंद कर दिया जाता है। उनका नाम भी आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आस पड़ोस में सरकारी जमीनों के ऊपर लोग रहते हैं, कब्जा कर लेते हैं और जब वो जमीन सरकार लेने आती है तो उनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया जाता है, जो कि उत्तराखंड में हो रहा है हल्द्वानी के अंदर। तो हल्द्वानी में जो हुआ वो क्या था, कैसे है, ये सारी चीजें एक साथ मिश्रण के स्वरूप में आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए आरंभ करते हैं। बॉलीवुड या तो सुधर गया या हम लोगों से डर गया। अब सुधर गया तो अच्छी बात है और डर गया है तो ये डर मुझे अच्छा लग रहा है। याद है आप लोगों को कि कश्मीर से 370 ना हटे इसलिए कितनी ईडी चोटी का जोर लगाया गया था, कितने लोगों ने बात कही थी कि धारा 370 हट ही नहीं सकता, याद है या कि भूल गए? थोड़ा याद करवा देता हूँ। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट राय जो हुआ है वो संविधान को नकारा गया है। Even if he becomes the Prime Minister, he cannot touch it. This I tell him now. फारूक अब्दुल्ला, इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या, जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? देखेंगे, मसला तो सुप्रीम कोर्ट में है। 370 को तो निकाल ही नहीं सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अमित शाह साहब, आप किसी गमला ढूंढे इलाज के खाब देख रहे हो। अगर आपने 370 के साथ हाथ लगाया तो ये झंडा हमारे हाथों में भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो है वो ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत। जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, वजूद है, तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटाने से। आज हमने, माफी के साथ कहता हूँ, कश्मीर के फलस्तीन बनने का रास्ता खोल दिया है। आप लोग रोना बंद कीजिए। अब इन जैसे झूठे लोगों की भविष्यवाणियां सुनकर हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा। 370 नहीं हट सकता, हट गया। राम मंदिर नहीं बन सकता, बन गया। तो इनकी भविष्यवाणी यानी कौवा का पाद। अब जाहिर सी बात है कि इनकी भविष्यवाणी पर किसी का विश्वास नहीं, लेकिन कुछ ऐसी भविष्यवाणियां होती है जिन पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वो भविष्यवाणियां उचित और सही होती है, क्योंकि हमने उसे एक्सपीरियंस किया। एक आर्टिकल आप लोगों ने भी देखा होगा, काफी वायरल हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट 2019 में आया, उससे 2 वर्ष पहले ही 2017 में एक एस्ट्रोलॉजर ने यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि राम मंदिर 2024 में बनेगा, वो भी जनवरी में बनेगा, और ये बात सच निकली। अब कहीं ना कहीं अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए मैंने भी यूज करके देखा थोड़ा सा एस्ट्रोटॉक को। अब एस्ट्रोटॉक को डाउनलोड करने के बाद मेरी बात वहां के एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से हुई। वहां पर मैंने अपनी ज्यादा फिलअप बाय जानकारी नहीं दी थी, केवल अपना डेट ऑफ बर्थ बताया था और टाइमिंग बताई थी। उन्होंने मेरे बारे में जो बताया उसे सुनकर थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि सारी बातें सच थी। भले उन्होंने मेरा फेस ना देखा, कुछ भी नहीं देखा, केवल इतना ही डेट ऑफ टाइमिंग बताकर बता दिया कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा काम करते हो, आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हो और जाहिर सी बात है इन सभी चीजों की वजह से आप लाइमलाइट में ज्यादा रहते हो। अब मेरी क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ी तो मैंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछ लिया और जो भी मेरे जीवन में आने वाले हैं या फिर है उनके बारे में पूछने के बाद जो प्रश्न मैंने पूछे मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन सब कुछ उचित ही था। तो भाई ये जो पहला चैट है ऑब्वियसली फ्री मिला, इसलिए मैंने सारी चीजें पूछ ली थी। आप भी चाहो तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ सकते हो, ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कुछ भविष्यवाणियों के ऊपर हमारा विश्वास होता है और कुछ ऐसे भविष्यवाणियां होती है जिनके ऊपर चाहकर भी विश्वास रखो
तो आपका विश्वास उड़ेगा ही, जैसे कुछ ऐसी थी 370 को लेकर। और हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। एज अ यूट्यूबर होने के नाते एक डर मन में सदा लगा रहता है कि जब हम लोगों ने अपना निश धर्म के लिए वीडियो बनाना आरंभ किया था, तब हम लोग को एक बात समझ में आ गया था कि जब भी हम अपने धर्म के बात करेंगे और इसके बारे में लोगों को बताएंगे और जो इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं उनको एक्सपोज करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे जीवन के ऊपर जो संकट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। चाहते तो हम भी अलग अलग प्रकार के कंटेंट बना सकते, फनी वीडियोस बनाते, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते, बिग बॉस में जाते, पैसे कमाते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, बड़े बड़े इवेंट्स करते, कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वो सारी चीजें नहीं चूज की। एज अ थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते मैं भी वो सारी चीजें कर सकता था, लेकिन हम लोग क्या चूज करते हैं, अगर हमारे धर्म के अगेंस्ट में कोई कुछ कर रहा है तो जेन्युइन तरीके से उससे कैसे टैकल किया जाए, या कोई भी हमारे देश के साथ गद्दारी करता है तो उसे एक्सपोज कैसे किया जाए। लेकिन इसके फलस्वरूप में हमें क्या मिलता है, 295A, और यही मिला है रचित कौशिक जी को, बाबा जी को। बाबा ने क्या किया है, अरविंद केजरीवाल जी के सुपुत्र जी है, उनके पास 10 लाख रुपए प्रति महीना कैसे आता है इसका इनकम सोर्स रिवील कर दिया है, आप भी देख लीजिए। अपने से दो साइज बड़ी सस्ती सी शर्ट पहना हुआ पुलकित केजरीवाल, फोटो में पैर दिख नहीं रहे लेकिन आई एम डैम श्योर सरजी की तरह चप्पल ही पहनकर आया होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही तो है, चाहे IIT दिल्ली में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो आपको बता दें कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। वो IIT पूरी करने से पहले ही 10 लाख रुपए महीना कमाता है। कैसे? केजरीवाल का शीश महल याद है, जिसमें 80 लाख के पर्दे लगे हैं, उसी में जिम वाली 4 ट्रेडमिल मशीनें भी लगी हैं। 15,000 से लेकर 15 लाख तक की ट्रेडमिल आपको अमेजन पर मिल जाएगी, लेकिन उससे कमाई तो होती नहीं, तो सरजी ने ट्रेडमिल किराए पर लेने की सोची। 4 ट्रेडमिल का एक महीने का किराया सोचो कितना होगा, 5,000, 10,000, 15,000, जी नहीं, 10 लाख। ये 10 लाख रुपए महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है, और ये ट्रेडमिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरीवाल। घर बैठे अपने ही घर में ट्रेडमिल किराए पर दो और 10 लाख रुपए महीना कमाओ, क्योंकि ईमानदार सरकार। लेकिन कभी घमंड नहीं किया रचित कौशिक जी ने, जैसे ही अरविंद केजरीवाल के सुपुत्र का इनकम सोर्स रिवील कर दिया कि 10 लाख रुपए आ रहे, कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, ये तो बता दिया। अब जैसे ही बताया तब अरविंद केजरीवाल को लगा कि भाई हम तो फिर से एक्सपोज हो गए। वैसे ही हमारे सारे नेता जेल में जा रहे, एक तो परिणीति के पीछे चला गया, अब बचा कुचा हमारा बेटा है, वही हमारी सत्ता की गद्दी को संभालेगा, हमारा वंश संभालेगा, अब वो भी चला जाएगा तो कैसे होगा। इसीलिए रातों रात 4 सिख आए और रचित कौशिक जी को किडनैप करके लेकर चले गए। परिवार वाले डर गए कि 4 लोग आए बिना कुछ बताए सीधे लेकर चले गए। अब जैसे ही वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के पास गए, तब उन्हें पता चला कि ये तो लुधियाना पुलिस वाले थे, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना पंजाब के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने सरकार के पुलिस को यूज कर सकती है, लेकिन उन्हें शायद नियम कानून नहीं पता। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को कहा जाता है कि महामूर्ख, अनपढ़, ऐसे शब्दों की उपाधि गांव घर में दी जाती है, जो अपने बुद्धि में ज्यादा लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान ज्यादा होने के बाद अगर आप लोगों को यह नहीं पता कि जब भी किसी दो स्टेट का पुलिस का काम होता है तो वो पुलिस सामने वाले स्टेट के पुलिस को पहले नोटिस भेजती है, बताती है, वो पुलिस उसके बाद उस सामने वाले को पकड़ती है और फिर देती है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, सीधे रचित कौशिक जी को लेकर चले गए और अभी भी वो जेल के अंदर है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि रचित कौशिक जी को सपोर्ट करिए, लेकिन सपोर्ट की आवश्यकता रचित कौशिक जी को जितनी है उतनी ही अब पुलिस वालों को भी है। उत्तराखंड के अंदर हमारे पुलिस भाइयों के साथ क्या हुआ है कल आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। हल्द्वानी के अंदर उनके ऊपर पुष्पों का हार नहीं अपितु पत्थरों का वर्षाव किया गया। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की संपत्ति हमारी संपत्ति, हटवाओगे कैसे बे? वहाँ तोड़ने के लिए जैसे पहुंचे तो चार दोस्त से वहाँ रस्ते में भी जा रहे थे हम जब स्टार्टिंग में, तो वहीं से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए थे। बड़ी मुश्किल से फोर्स हमने रोक रख के आगे तक पहुंचे, वहाँ पे जहाँ पे मेन पॉइंट था, जहाँ पे तोड़ना था, तो वहाँ पे पहुंचे तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है। बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमें घेर लिया वहाँ। हल्द्वानी के ऊपर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाए थे, तब लोगों ने हमसे कहा था कि तुम कितने भावना विरहित इंसान हो, तुम्हारे अंदर तो कोई भावना ही नहीं बची है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारा घर है, ये है, वो है, सब कुछ है, सरकारी जमीन है, ठीक है, सरकारी जमीन, कोई 1-2 एकड़ जमीन नहीं थी। और उस वक्त आप लोगों ने इतने रोने धोने वाले स्टेटस लगाए थे, स्टोरियां लगाई थी आप लोग के सो कॉल्ड सेक्युलर शांत प्रिय लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ,
कल आप लोग देख लीजिए, पुष्पों का हार जो वर्षाव है इतने अच्छे से किया गया कि हमारे पुलिस वाले चलने फिरने लायक भी नहीं बचे हुए। तो भाई साहब, आपका जो रोना धोना है, आपका जो इमोशनल विक्टिम कार्ड है, वो सोशल मीडिया के ऊपर खेलना आप लोग अच्छे से जानते हो भाई, उसे थोड़ा कंट्रोल करो और तीन चार चीजों जो कवर की है उन सारी चीजों को समझो। धारा 370 जो मूवी आने वाली है उसे जाकर थिएटर में अवश्य देखना। रचित कौशिक जी के ऊपर हम लोग बार बार ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलवा रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हो रहा है यूसीसी लागू करने के कारण हो रहा है, पूरे भारत देश में यूसीसी लागू होने वाला है, इसीलिए अपने आस पड़ोस सुरक्षित रहे, सब कुछ संभाल कर रहे, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।